केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की पत्नी नेहा प्रसाद ने किया चुनाव प्रचार का आगाज। पूर्व मंत्री स्वर्गीय ठाकुर राम रतन सिंह के आवास पर किया पार्टी कार्यालय का उद्घाटन। नेहा प्रसाद ने अपने पति जितिन प्रसाद का नाम लिया तो तालियों से गूंज उठा कार्यक्रम स्थल। जितिन प्रसाद को दोहरा का भाई, बेटा और भतीजा कहा तथा खुद को दोहरा की बहू। नेहा प्रसाद के चुनाव में उतरने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में फूटा जोश का ज्वालामुखी। सभी बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान, सारे कार्यकर्ता और सभी जो जितिन प्रसाद से जुड़े हैं उनको मेरा नमस्कार। और आप लोग यहाँ अपना टाइम निकाल के आए मुझसे मिलने, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप सभी जानते हैं कि चुनाव ऐसी टाइम है कि सभी को लगना पड़ेगा। आप ही जितिन जी की ऊर्जा है, उनकी हिम्मत है, उनकी ताकत है। कोई यहाँ कह रहा था कि सभी कार्यकर्ता जितिन प्रसाद बनके अगर क्षेत्र में निकले तो उनको कोई नहीं रोक सकता। लोग कहते हैं कि बीजेपी का वर्कर ऐसा है, सपा का वर्कर ऐसा है। अब आप लोग दिखाइए कि कांग्रेस का वर्कर कैसा है। जिस जोश से आप लोग उतरेंगे उसी से ये इलेक्शन कामयाब होगा। आप सभी को लगता है और आप जानते हैं, आप हमको देख चुके हैं, परख चुके हैं, वो आप ही के हैं। अब आपको उनको जिताना है और इस बारी लोकसभा ले जाना है, ये जिम्मेदारी आपकी है। मैं चाहूंगी कि आज मैं पहली बार इलेक्शन के प्रचार में निकली हूँ तो मेरे लिए ये कार्यालय इसलिए भी बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेरा पहली मीटिंग है। दूसरा, मैं ये आज राम रतन सिंह जी के घर से कर रही हूँ शुरू। ये मेरे स्वर्गीय ससुर जितेंद्र प्रसाद जी और राम रतन जी में घनिष्ठ मित्रता थी, उनका बहुत लंबा साथ रहा। परिवार की तरह से तो मैं आज घर ही आई हूँ और घर से इलेक्शन के प्रचार की शुरुआत कर रही हूँ। अब आप सबकी मदद चाहिए और सबको लगना है।